यह व्यक्ति मर गया है तो इसमें इनको क्या चीज का पैसा का लालच जो है, यानी कि मरे हुए व्यक्ति को भी ये नहीं छोड़ने वाले, सहायक बना करके और पंचायत सचिव जी से साइन करवा करके आपको दे देंगे, यानी कि पंचायत सचिव जी से कोर्ट से एफिडेविट बनवा कर लाना पड़ेगा, उसके बाद जो है ना आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा, फिर भी बन जाएगा, लेकिन बिना एफिडेविट का आपका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बने। फिर नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बात करेंगे कि मृत्यु प्रमाण पत्र हम लोग कैसे बनवाते हैं। तो देखिए मृत्यु प्रमाण पत्र का एक फॉर्म आता है, यानी कि उसको भी हम आपको अगले वीडियो में हम आपको भर करके और पूरा फुलफिल करके हम आपको देंगे, लेकिन उसके बाद इससे पहले हम इसको नियम को हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए मृत्यु प्रमाण पत्र जो होता है ना, यानी कि जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, यानी कि जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जीवित व्यक्ति को ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दीजिए, ऐसा भी कहीं कहीं पे किया जाता है। इसी कारण जो है ना मृत्यु प्रमाण पत्र में कुछ लोगों का साइन होते हैं, वे लोग डरते रहते हैं, लेकिन उसमें डरने वाली सबसे कोई बात नहीं है। आप लोग जहां भी कोई भी मृत्यु प्रमाण पत्र का कोई भी साइन करवाइए तो उनको पहले इस बातों से कन्फर्मेशन करा दीजिए, ताकि वे लोग डरेंगे नहीं और वे लोग साइन करने में हिचकेंगे नहीं। तो देख लीजिए सबसे पहले उसका फॉर्म आता है, यानी कि दो पेज का फॉर्म आता है मृत्यु प्रमाण पत्र का, जो फॉर्म आता है दो पेज का फॉर्म आता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे, इसका पेज जो होता है ना, तो उसके सबसे ऊपर के पेज में जो मृत्यु हुए व्यक्ति का यानी कि पूरा डिटेल भरना होता है, नाम क्या है, मृत्यु स्थान क्या है, मृत्यु कब हुआ, इसका जो है ना फॉर्म भी आपको हम भर करके अंतिम में वीडियो को हम बता देंगे। देखिए क्या है, दो पेज में रहता है और इसका पूरा डिटेल उसमें लिखना होता है। उसके बाद सबसे नीचे जो हस्ताक्षर होता है तो उसमें पंचायत सचिव का होता है, लेकिन पंचायत सचिव सबसे पहले आपको साइन नहीं करेंगे, पंचायत सचिव से भी पहले आपको किनसे साइन करवाना पड़ेगा, तो सबसे पहले अपने गांव को तो वार्ड सदस्य से करवाना पड़ेगा, यानी कि वार्ड सदस्य से साइन करवाना पड़ेगा। उसके बाद अपने ग्रामीण के आंगनबाड़ी सेविका से करवाना पड़ेगा, आंगनबाड़ी सेविका से। अब जान लीजिए हमें कमेंट आया है कि सर आंगनबाड़ी सेविका जो है ना साइन नहीं कर रही है, तो जान लीजिए अगर ये मृत्यु प्रमाण पत्र पे साइन नहीं करेंगी ना तो इनका कंप्लेन एक बार ले जा करके आप बीडीओ साहब के पास कीजिए, इनको जो है ना हालत ख़राब कर दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि यह व्यक्ति मर गया है तो इसमें इनको क्या चीज़ का पैसा का लालच जो है, यानी कि मरे हुए व्यक्ति को भी ये नहीं छोड़ने वाले हैं आंगनबाड़ी सेविका। क्यों इस बातों को हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कॉमेंट में है ना दो तीन बार आ चुका है कि आंगनबाड़ी सेविका जो है ना मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन नहीं करती हैं। तो जान लीजिए आप जो है ना अपने ब्लॉक में CDPO से जा करके इसका कंप्लेन कीजिए, CDPO से और BDO साहब से कंप्लेन कीजिए। यह जरूर मैटर को, यह बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बहुत छोटा सा मैटर है, इनको पैसा वैसा का कहीं लालच धर लिया होगा। उसके बाद जो है ना यानी कि तीसरे के चौथे नंबर में जो है आपको वहाँ पे मुखिया जी का साइन करवा लीजिए या सरपंच जी का साइन करवा लीजिए, मुखिया जी का साइन करवा लीजिए या सरपंच जी का साइन करवा लीजिए, दोनों में से किसी व्यक्ति का साइन करवा लीजिए, आपको बन जाएगा। उसके बाद एक और व्यक्ति का जो साइन होता है वो स्थानीय चौकीदार, यानी कि जिस पंचायत के आप व्यक्ति हैं उस पंचायत के चौकीदार से आपको साइन करवाना पड़ेगा कि यह व्यक्ति मर गए हैं कि जीवित हैं। और जान लीजिए यह चार गो व्यक्ति का जब यानी कि आपको साइन हो जाएगा, उसके बाद अंत में आपको ले जा करके पंचायत सचिव जी से साइन करवा लेना है, और पंचायत सचिव के पीछे एक शपथ पत्र होता है, आपको शपथ ले लेना है, और पीछे जो व्यक्ति आवेदन करेंगे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए उनका साइन भी होगा। और जान लीजिए पंचायत सचिव से जब साइन हो जाएगा ना आपको, उसके बाद आपको क्या करना है तो अपने यहां के कार्यपालक सहायक को दे देना है। लेकिन इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है, इस बातों को समझ लीजिए, इतना चीज करने के बाद जो है ना कार्यपालक सहायक को दे दीजिएगा, यह बेचारे जो है ना बना करके दे देंगे, कभी कभी ये पैसे की डिमांड करते हैं, तो पैसे की डिमांड करने वाले को आपको सबक सिखाना है कि किस प्रकार के सबक सिखाना है, किसी भी तरीके से इनका वीडियो बना लीजिएगा जब पैसा की डिमांड करे तो, या इनको कहिएगा कि हम पैसा देने में असमर्थ है, तब आप क्या मेरा नहीं बनाइएगा मृत्यु प्रमाण पत्र। अब देख लीजिए उसके बाद हम आपको बात करेंगे, कार्यपालक सहायक को दे दीजिएगा, उसके बाद जो कार्यपालक सहायक बना करके और पंचायत सचिव जी से साइन करवा करके आपको दे देंगे, यानी कि पंचायत सचिव जी से साइन करवा करके दे देंगे। उसके बाद हम आपको बताते हैं यह इतना प्रक्रिया के बाद आसानी से आपको बन जाएगा, लेकिन यदि व्यक्ति के मरे हुए यानी कि 22 दिन से जब प्लस हो जाएगा ना, उस परिस्थिति में आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में थोड़ी सी परेशानी होगी। क्यों परेशानी होगी कि लगभग जगह जो है ना यानी कि प्रथम यानी कि लेख दंडाधिकारी जो हम लोग बोलते हैं SDM, ठीक है, यानी कि SDM कोर्ट से क्या करना पड़ेगा, आपको SDM कोर्ट से एफिडेविट बनवा कर लाना पड़ेगा।
ठीक है, एसडीएम कोर्ट से एफिडेविट बनवा कर लाना पड़ेगा, उसके बाद जो है ना आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा। फिर भी बन जाएगा, लेकिन बिना एफिडेविट का आपका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, यदि व्यक्ति का मरे हुए 22 दिन से प्लस हो जाएगा तो। यह बातों को जान लीजिए, बिना एफिडेविट का कोई भी बना नहीं सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को यदि कोई व्यक्ति मर जाए या मृत हो जाए तो उसके परिवार को आप इस बात के जागरूकता करके आप जो है ना कह दीजिएगा कि 22 दिनों के अंदर इनका जो है ना मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र रहने से अगर किसी भी बैंक में पैसा फंसा हुआ है तो यह भी पैसा निकल जाएगा। अगर किसी LIC या कोई भी बीमा कंपनी में आप LIC या करवाए हुए हैं तो पैसा तभी मिलेगा जब आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र रहेगा, या कहीं भी आपने लोन लिए हुए हैं तो जान लीजिए जब व्यक्ति जब मृत हो जाते हैं तो उनका लोन का राशि माफ कर दिया जाता है। और कुछ छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस कंपनी सब में यह होता है कि जो व्यक्ति उस यानी कि जितना लोन भरे हुए रहता है उस लोन को वापस भी कर दिया जाता है। तो यह लोन तभी इस प्रकार से काम करेंगे जब आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा करके उनको दीजिएगा, तभी पंचायत में सबमिट करिएगा तभी। तो हम आशा जरूर यह बात की करेंगे कि आप लोगों को जो है ना मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की फॉर्मेट भी आपको समझ में आ गया होगा और किस प्रकार से आपको इसमें काम करने हैं इस बातों को भी समझ में आ गया है। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।